इसको आप जैसे अपने शरीर में जैसे इंसुलिन काम नहीं कर रहा तो उसके अंदर कचरा आ जाता, कुछ भी आ जाता, तो आप उसको तुलसी ड्रॉप रेगुलर यूज करके तो आपकी बॉडी में ट्यूमर, गैस, एसिडिटी, कब्जा, कोई भी ब्लॉकेज ना, उसके अंदर कोई जमावट कुछ भी होगा, ऑटोमेटिक बुला के निकाल देगा तुलसी। हाँ, तुलसी। और मेन चीज सबसे पहले यही काम करेगा, जैसे आप इसको यूज करोगे तो आपके इंसुलिन में और नसों के अंदर लिक्विड जाता है, गोलियां कभी जाती, आप जितनी गोलियां खाओगे वहां जाके इकट्ठा हो जाएगा और फिर वो डॉक्टर बोलेगा ये जम गया, इसको काटना पड़ेगा। पर अगर आप तुलसी यूज करते हो रेगुलर और तुलसी यूज करते करते आप इसको यूज करते हो धीरे धीरे बुला के बाहर निकाल दिया, जैसे ये हॉल कर दिया, वैसे आपकी नस की प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम होगी वो आपको खत्म करके वो छोड़ देगा। तो ये तुलसी इतना पावरफुल है, ठीक है। और डेली इसको आपको चार बूंद यूज करना है, पानी में डाल के या चाय में डाल के, कैसे भी आपको इसको यूज रेगुलर करना है, ठीक है। उसके बाद अपना आता है एंजाइम ड्रॉप। ये एंजाइम ड्रॉप दिन में दो बार जीभ के नीचे लेना है, तीन बूंद सुबह, तीन बूंद शाम, ठीक। उसके बाद अपना ये आता है नोनी जी, नोनी अपना यस बीस जो 900 ml का आता है, ये लीटर का, इसको आपको सुबह सुबह आपको ये 900 ml यानी 30 ml पर डे लेना है। 30 ml पर डे लोगे तो महीना आपका ये चलेगा। तो कांच का गिलास लेना, उसके अंदर थोड़ा गुनगुना पानी करके दो ढक्कन डाल के आपको ये पीना है। उसके बाद अपना ये आता है बेरी जूस। बेरी जूस में क्या करना है, शाम को फ्रूट का शाम को सोते टाइम जहाँ दूध लेते हो उसमें दो ढक्कन डाल के मिक्स करके आप पी जाना। आप जाते जाते दो तीन दिन चार दिन के अंदर आपको बॉडी में कुछ अलग ही इम्प्रूव दिखेगा, नहीं मेरे अंदर शरीर में कुछ हो रहा है, ठीक है। ये चार पांच प्रोडक्ट आप रेगुलर यूज करोगे तो आपको वो चीज़ साफ हो जाएगी, ठीक है।